सोचिए, कांग्रेस ने अयोध्या को राम राम किया, अब कांग्रेस ही कांग्रेस को ही राम राम कर रहे हैं। देखिए आप, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है। सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते, ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। अरे इनके डीएनए में ही राम विरोधी है। सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। गांधी इस पार्टी से जुड़े रहे हैं ना, दुनिया छोड़ के गए तो ही राम कहते हुए गए। घर घर जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी पार्टी से जुड़ जाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मत जुड़ना, क्योंकि ये सनातन विरोधी है। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। किसी को नहीं जाने, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। आज बड़ा एक भूकंप आया था, आपने भी महसूस किया होगा, एक उत्तर भारत में एक बड़ा भूकंप आया और इस भूकंप की तीव्रता 6.1 थी, 6.1, और इस भूकंप का केंद्र था अफगानिस्तान का फैजाबाद, और इस भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। अब ये भूकंप तो कुछ सेकंड का था, लेकिन भारत में एक और भूकंप आया, पार्टी में भूकंप आया, एक राजनीतिक भूकंप कह सकते हैं। इसके केंद्र में भी ना फैजाबाद, मतलब आज की अयोध्या, इसके केंद्र में भी अयोध्या है, जिसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। इस भूकंप के झटके सिर्फ कांग्रेस को महसूस हो रहे हैं, अब तो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, कई बताएंगे आज आपको। उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को आफ्टर इफेक्ट्स इस भूकंप के महसूस हो रहे हैं, इसके केंद्र में भी फैजाबाद अयोध्या, और जो आज भूकंप आए दिन में उसके केंद्र में भी अफगानिस्तान का फैजाबाद। संयोग समझिए आज आप, कांग्रेस में आए इस राजनीतिक भूकंप की तीव्रता कितनी है ये तो अभी हम नहीं बता सकते भाई, मतलब इसकी राजनीतिक रिक्टर स्केल पर उसे नापा नहीं जा सकता। अभी सिर्फ इस राजनीतिक भूकंप से कांग्रेस को हुए नुकसान की तस्वीरें आ रही, जी हाँ तस्वीरें आ रही है। कांग्रेस में इस भूकंप की वजह है राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने का फैसला, सुनते जाइए जो बता रहा हूं। कल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा था कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता अयोध्या के इस आयोजन में नहीं जाएंगे। ठीक, अयोध्या को दूर से राम राम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी आस्था। सॉरी, इस फैसले के बाद चार राज्यों में कांग्रेस में भूकंप आ गया। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभावशाली बड़े नेता अर्जुन मोडवाड़िया ने कांग्रेस नेतृत्व का उनको खुलकर चैलेंज कर दिया। मोडवाड़िया ने कहा कि भगवान राम आराध्य देवता है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय से बचना चाहिए। एक भूकंप, दूसरा मोडवाड़िया का बयान इसलिए कांग्रेस के लिए भूकंप है क्योंकि वो गुजरात कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली नेता है और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ उनकी बात का समर्थन करने वाले कई नेता उनका साथ दे रहे। रामलला का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कांग्रेस में दूसरा भूकंप आया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस में महाभारत इंटरनल युद्ध छिड़ गया है निमंत्रण को लेकर, निमंत्रण ठुकराया, कांग्रेस में गृह युद्ध आया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उनको तो जानते हैं ना आप सभी, ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे डाली। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो सौभाग्यशाली है क्योंकि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता मिला है। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, पार्टी कह रही है कि ये तो राजनीतिक इवेंट है, हम नहीं जाएंगे, ये तो आरएसएस का है, पॉलिटिकल है। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, सौभाग्यशाली हैं, वो कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने निमंत्रण के लिए वीएचपी आरएसएस को धन्यवाद भी कहा है। चलिए यहां तक ठीक, आगे सुनिए।
वैसे विक्रमादित्य सिंह आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और हिमाचल प्रदेश में उनके समर्थकों की संख्या लाखों में है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कांग्रेस को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि सोनिया गांधी, खड़गे जी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा करना, मैंने कल भी कहा था, सदी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, सबसे बड़ी भूल। वैसे कांग्रेस के खिलाफ तीसरा भूकंप, एक और भूकंप आया, वो सबसे बड़ा है राजस्थान में। सुनिए, राजस्थान के कोटा में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के विरोध में कई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, कई नेताओं ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। आपने निमंत्रण ठुकराया, कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने कहा है कि वो पार्टी श्रीराम का, जो पार्टी श्रीराम का सम्मान नहीं कर सकती, उस पार्टी के लिए उनके दिल में अब कोई सम्मान नहीं है। ये सभी लोग अब पार्टी छोड़कर सनातन और राम काज में लगने की बात कर रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक और झटका लगा है, चौथा झटका कांग्रेस को, कहां? यूपी में। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आप सभी जानते हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार, सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से दुखी होकर कहा कि हमारी लड़ाई प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म से नहीं है। ये वही प्रमोद कृष्णम है जो पहले कई बार कह चुके कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो प्रभु श्री राम और हिंदुओं से नफरत करते हैं। पहले आपको कांग्रेस में भूकंप की राजनीतिक तस्वीरें, आवाजें सुनाते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने आखिर क्या सोचकर रामलला का निमंत्रण अस्वीकार किया होगा। कुछ वजह आज आपको बताएंगे। 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। विक्रमादित्य सिंह, अर्जुन मोढवाडिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस ही कांग्रेस को राम राम कर रहे हैं कि आपने राम के न्योते को ठुकराया, हमने आपको ठुकरा दिया। देखिए, हालांकि कांग्रेस को भी शायद पहले से अंदाजा रहा होगा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मच सकती है, भूकंप की स्थिति आ सकती है, किसी को भी बुरा लगेगा। भाई, श्री राम का निमंत्रण, श्री राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया, फिर भी कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मतलब जिससे विरोधी तो विरोधी, खुद कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी को रामद्रोही कह रहे हैं, सनातन विरोधी, अभी कांग्रेस के नेता थे। अच्छा, हमको इसके पीछे तीन बड़ी वजह समझ में आती है, हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा क्यों दिया, श्रीराम ने बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया क्यों। पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस का ना सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड ना फेल हो गया। बताते हैं आपको, आपने देखा ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रियंका वाड्रा जी से लेकर कमलनाथ तक और भूपेश बघेल जी से लेकर अशोक गहलोत तक सबने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को चुना। तो तस्वीरें सबने देखी ना, हनुमान का गदा चौक, वो सारी चीजें, माथे पर तिलक, चुनरी, हर चीज देखी सबने। प्रियंका वाड्रा खुद मंदिर गई चुनावों के दौरान, कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे, कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का भी आयोजन किया था, सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा ही नहीं हुआ, हाथ से निकल गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अशोक गहलोत भी मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ पर पूरा जोर लगाया, सॉफ्ट हिंदुत्व, अब वोटर कंफ्यूज हो गया, समझ रहे आप। लेकिन इस सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा कांग्रेस को मिला ही नहीं। सवाल है कि क्या इसलिए कांग्रेस को लगा कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व की ढुलमुल नीति की बजाय ना एक लाइन क्लियर हो कम से कम,
राम मंदिर के बहिष्कार का कड़ा फैसला ले लिया जाए, प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का, जिससे ना कम से कम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, जिससे उन वोटर्स को क्लियर कट मैसेज जाए जिनकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली है, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। देखिए, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के पीछे कांग्रेस की दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह ध्यान से सुनिएगा, भारत का मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस को ऐसा लगता है, वैसे मैं मानता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी राम के विरोधी को वोट क्यों देगा, ये तो प्रभु राम का देश है, राम सबके हैं और प्रभु राम को तो मुसलमान मुस्लिम भाई भी मानते हैं। लेकिन फिर भी चलिए आपको समझाते हैं कि भारत का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को लगता है कि अपीज हो जाएगा। कांग्रेस के पास इस वक्त सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, कर्नाटक में कांग्रेस को बंपर मुस्लिम वोट मिले थे, कोई डाउट ही नहीं है, तेलंगाना में भी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था एक मुश्त, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 33% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होती तो कांग्रेस को ऐसा लगता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुस्लिम खुश हो जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक अपीज हो जाएगा, उनकी तरफ चला जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, जबकि ना जाने मतलब क्लियर मैसेज शायद चला जाए कि कांग्रेस मुसलमानों की भावनाओं को समझती है। एक और बड़ी वजह, असली नकली हिंदुत्व का नरेटिव, तीसरी वजह, कांग्रेस को भी शायद ये लगा कि भाई हिंदुत्व की पिच पर वो कभी बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएगी, ठीक है ना, और जब भी वो मंदिर जाएंगे वो असली नकली हिंदुत्व के नैरेटिव में फंस जाएंगे कि फैंसी ड्रेस हिंदू, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, फैंसी ड्रेस हिंदू, ऐसा बीजेपी जो कहती है, तो इस पूरे उस टेम्पलेट से कांग्रेस बाहर आ गई। कांग्रेस को लगा कि वो राम मंदिर कार्यक्रम में गए तो कहा जाएगा कि कांग्रेस पश्चाताप करने के लिए गई है, कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, और ये भी कहा जाएगा कि मोदी ने कांग्रेस को राम मंदिर कार्यक्रम में आने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए शायद कांग्रेस को लगा कि राम मंदिर कार्यक्रम का बायकॉट करने में कोई बुराई नहीं, भले इससे करोड़ों राम भक्तों को टेस लगे तो लगे, अपना दूसरा वोट बैंक तो पोलराइज होगा। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने की तीसरी वजह क्या हो सकती है, कांग्रेस का दक्षिण भारत में बचा हुआ बेस, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। दक्षिण भारत की जो पार्टियां सनातन के सफाई की बात करती हैं, है ना, आपको पता है स्टालिन सनातन धर्म को के समूल नाश की बात करती है, सनातन धर्म को HIV/AIDS पता नहीं क्या क्या बकवास कर, ये बकवास बात है ना, HIV/AIDS अगर सनातन को कहा जाता है, कांग्रेस राम मंदिर जाके उन्हें और उनके वोटर्स को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती दक्षिण के सहारे। अभी उत्तर को क्या क्या कहा गया था, अब दक्षिण का सहारा है, दक्षिण के सो कॉल्ड वोटर्स जो DMK के, उनको नाराज करना। हालांकि कांग्रेस ने 70 साल में पहली बार राम मंदिर पर क्लियर स्टैंड लिया और राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, अब निमंत्रण ठुकरा है तो बीजेपी ने कांग्रेस के DNA पर ही सवाल उठा दिया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देश में करोड़ों राम भक्त ऐसे हैं जो रामलला के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें न्योता मिला वो खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इंडिया से अक्षत लाए हैं, जय श्री राम, जय। बताइए भाई जनवरी को क्या है, पहले बताइए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है तो जय श्री राम। लेकिन देश में निमंत्रण ठुकराने वाले भी हैं, जिस पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का न्योता ठुकरा कर अपना स्टैंड तो साफ कर दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद पार्टी में क्लेश शुरू हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि लड़ाई बीजेपी से है न कि राम से। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने साबित कर दिया है कि राम विरोधी इस पार्टी का असली सच है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया गया, बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे।
मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। बुधवार को जब कांग्रेस आलाकमान ने न्योता ठुकराने की बात कही थी, उसके थोड़ी देर बाद ही गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोडवाड़िया ने भी इस फैसले का विरोध किया था। गुजरात कांग्रेस के कई नेता पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। अब विरोध की चिंगारी बढ़ते बढ़ते राजस्थान तक पहुंच गई। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। अयोध्या के बहिष्कार पर कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को राम राम कह दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अब सनातन का काम करेंगे। सर्वधर्म संभाव ही हमारी मूल भावना है, इसलिए हम उससे डरते नहीं है। देश में नफरत का जो आग फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, कांग्रेस तो बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है, और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे राम मंदिर संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। ये DNA में ही राम विरोधी है, और ये नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक आज तक कभी अयोध्या नहीं गया। स्टालिन जब सनातन को खत्म करने की बात कहा, उसके पीछे ये कांग्रेस खड़ी रही, ये हिंदू विरोधी। दरअसल राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस ने जो चिट्ठी जारी की है, उसकी भाषा इंडी के दूसरे नेताओं के बयान से मेल खाती है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से अयोध्या के संत समाज से लेकर धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि श्री राम से दूरी का मतलब है कांग्रेस का आत्मघाती फैसला। जिन लोगों ने हमें साथ दिया है राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, उनको तो ये स्वाभाविक अधिकार है कि वो उस आयोजन को अपने हाथ में लेकर के उसको संपन्न कराएं। और साथ साथ हमने देश के राम तो सबके हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, और इसलिए हमने सबको बिना किसी भेदभाव के, जो राम जी का विरोध कर रहे थे उनको भी, और जो राम जी के लिए अनुरोध कर रहे थे उनको भी, विरोधी अनुरोधी सबको हमने आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। फिर सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जो है वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरी वश अपनाई हुई, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। सियासी गुड़ाभाग में कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, और लगता है कि एक एक धर्म विशेष के वोट में कांग्रेस उलझ गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती रही, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस ने 1992 में विवादित ढांचा ढहाए जाने की बंद फाइल दोबारा खोलकर दो BJP कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इसी से कांग्रेस का स्टैंड साफ होने लगा था।